नुह मेवात पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला आईपीएस ने बताया कि आज के ज़माने में इंटरनेट के इस्तेमाल से सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इत्यादि से अपराधी अपने अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस अधीक्षक नुह मेवात वरुण सिंगला द्वारा जिला नुह मेवात पुलिस को मॉडर्न बनाते हुए कई विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध व अपराधियों के अपराध पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। बता दें कि साल 2022 के अंत तक साइबर क्राइम के मामले में मेवात पुलिस को 550 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नियमानुसार जांच अमल में लाई गई, इस संबंध में भारी तादाद में मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा है कि 40 हॉट स्पॉट गांव चयनित किए गए, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेवात पुलिस को अब तक 12,000 मोबाइल नंबर फ्रॉड पाए हैं, जिनमें से जांच करते हुए 3,000 मोबाइल सिम कार्ड बंद करा दिए गए। मेवात के एसपी वरुण सिंगला ने कहा है कि साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार सिम कार्ड होता है, जिसके जरिए ही लोगों का फ्रॉड करते हैं। उन्होंने कहा है कि 2022 में साइबर थाना गठित किया गया था। इसके अलावा जिले के थानों में साइबर डेस्क गठित किए गए। उन्होंने कहा है कि अब पीड़ित शिकायतकर्ताओं को साइबर टैक्स और थानों में सुनवाई हो रही है। इसके अलावा पोर्टल और साइबर हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रॉड की गई अमाउंट को भी ब्लॉक कराया गया है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी बिल्कुल, जो साइबर अपराध है उस संबंध में पूरे साल भर में तकरीबन 550 कंप्लेंट्स शिकायतें हमें जो है विभिन्न हमारे साइबर हेल्प डेस्कों पर प्राप्त हुई, जिनकी नियमानुसार जाँच अमल में लाई गई एवं भारी संख्या में इस संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए करीब 40 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनकी लगातार हम मॉनिटरिंग करते हैं एवं उसके टेलीकॉम टावर्स की हम टावर डंप का एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे हमने तकरीबन 12,000 नंबर जो कि फ्रॉड नंबर्स फ्रॉड आईडीज पे लिए गए थे वो हमने चिन्हित करके भेज दिए हैं, जिनके ऊपर 3,000 नंबर बंद हो चुके हैं और अन्य 9,000 पे कार्रवाई अभी जारी है और शीघ्र ही वो भी बंद होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे जो साइबर अपराधी जो पनप रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये सिम ही उनका मेजर हथियार होता है जिससे वो अपराध करते हैं, और इस तरह की कार्रवाई लगातार हमारी जारी रहेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर इस साल में एक नया साइबर थाना गठित हुआ है और सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क जो है गठित हुए हैं, जिनकी आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन से अब परिवादी को एक जगह किसी भी थाने में साइबर की कंप्लेंट लेकर जाता है तो उसकी सुनवाई प्रॉपर हो रही है एवं जो आधुनिक प्लेटफॉर्म है जैसे कि I4C, उसके अलावा आपका NCRP पोर्टल है इनका और 1930 हेल्पलाइन, इसका भी प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे द्वारा जो फ्रॉड की हुई अमाउंट थी साइबर की उसको ब्लॉक करवाया गया है, तो इससे कि साइबर अपराधियों के हौसले पस्त।